1789 में आज ही के दिन अमेरिका में पहला चुनाव हुआ था। चुनाव में वोट डालने का अधिकार उन्हीं लोगों को दिया गया था जिनके पास संपत्ति थी। हर चार साल में एक बार जनवरी महीने में अमेरिका में चुनावी समय शुरू होता है। पहला दौर प्राइमरी से शुरू होता है जिसमें पार्टियां अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करती हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में उतरना चाहते हैं। दूसरे दौर में हर राज्य के वोटर ऐसे प्रतिनिधि चुनते हैं जो दूसरे दौर में पार्टी के सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। पार्टी सम्मेलनों में ये प्रतिनिधि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद का अपना सहयोगी उम्मीदवार चुनता है और फिर चुनाव प्रचार शुरू होता है। इसके बाद नवंबर में राष्ट्रीय चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए कुल 270 इलेक्टोरल वोट पाना जरूरी होता है। आम परिपाटी है कि 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। 1859 में आज ही दिन सिपाही विद्रोह में संलिप्तता के आरोप में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई थी। बहादुर शाह जफर भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के माने हुए शायर थे। 1857 में जब हिंदुस्तान की आजादी की चिंगारी भड़की तो सभी विद्रोही सैनिकों और राजा महाराजाओं ने बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट माना और उनके नेतृत्व में अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों की बगावत को देख बहादुर शाह जफर का भी गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का आह्वान कर डाला। शुरुआती परिणाम हिंदुस्तानी योद्धाओं के पक्ष में रहे, लेकिन बाद में अंग्रेज छल कपट से बगावत को दबाने में कामयाब हो गए और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर बर्मा भेज दिया गया। 1950 में आज ही के दिन बॉलीवुड के हास्य अभिनेता जॉनी लीवर का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में हुआ था। जॉनी प्रकाश राव और जॉनी लीवर हिंदी सिनेमा में अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। जॉनी लीवर भारत के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं। उन्हें अब तक 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जॉनी बॉलीवुड में अब तक 350 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। जॉनी लीवर सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर भी अपनी कॉमेडी के जलवे दिखा चुके हैं। बाजीगर, बादशाह, तेजाब, सूर्य, इलाका, काला बाजार, बम दरवाजा, किशन कन्हैया, हमला आदि इनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं। 1966 में आज ही के दिन मशहूर फिल्म निर्देशक बिमल राय का निधन हुआ था। बिमल राय का नाम आते ही हमारे जहन में सामाजिक फिल्मों का ताना बाना घूमने लगता है। उनकी फिल्में मध्यम वर्ग और गरीबी में जीवन जी रहे समाज का आईना थी। बिमल राय ने अपनी फिल्मों में सामाजिक समस्याओं को तो उठाया ही, साथ ही उनके समाधान का भी प्रयास किया और पर्याप्त संकेत भी दिए कि उन स्थितियों में से कैसे निपटा जाए। दूसरी ओर उनका ध्यान महिलाओं के सम्मान और उनकी पीड़ा की तरफ भी गया था। बिमल राय की परख, दो बीघा जमीन, बंदनी, सुजाता, मधुमती, परिणिता आदि कुछ प्रसिद्ध फिल्में हैं। बिमल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए 7 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। और 1980 में आज ही के दिन इंदिरा गांधी भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतकर सत्ता में लौटी थी। इस आम चुनाव में उन्होंने कुल 525 में से 351 सीटें जीती। इस नाटकीय वापसी की यह घटना आज भी भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। दरअसल इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू करने की भारी कीमत 1977 में अपनी चुनावी हार से चुकाई थी। इमरजेंसी के दौरान कई तरह की ज्यादतियों के लिए उन्हें जिम्मेदार माना जा रहा था। इससे पहले 1978 में जब इंदिरा गांधी चुनाव में अपनी सीट जीतकर संसद में आई थी तो उन्हें आपातकाल के दौरान ज्यादतियों के आरोप में संसद से निष्कासित कर दिया गया था।